नॉर्मल इन्वर्टर में जब बैटरी वोल्टेज 10.5 वोल्ट हो जाती है तो इन्वर्टर बैकअप देना बंद कर देता है। इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स बैटरी को डीप डिस्चार्ज मोड में जाने से रोकने के लिए ये प्रोटेक्शन फीचर यूज़ करते हैं। अगर बैटरी वोल्टेज 10 वोल्ट या उससे नीचे चले जाए तो बैटरी डीप डिस्चार्ज मोड में चली जाती है और फिर उसे आपके घर में लगे इन्वर्टर से दोबारा चार्ज कर पाना पॉसिबल नहीं होता। उसे बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है। पर बैटरी को 10.5 तक डिस्चार्ज करने से भी आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। बैटरी को अगर हम हर बार 10.5 वोल्ट तक डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और बैटरी को चार्ज करने में भी वक्त लगता है, बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है। इसलिए सुकैम ने LVD यानी कि लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट की टेक्नोलॉजी फैल्कन प्लस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। फैल्कन प्लस के बैक पैनल पे एक डिप स्विच प्रोवाइडेड है। इस डिप स्विच के थ्रू हम LVD की सेटिंग कर सकते हैं। अगर हमने डिप स्विच की सेटिंग 11 वोल्ट पे की है तो बैटरी का बैकअप टाइम कम हो जाता है, पर बैटरी लाइफ एटलीस्ट 3 महीने बढ़ जाती है और बैटरी चार्जिंग भी जल्दी हो जाती है और जो एनर्जी हम बैटरी चार्जिंग में यूज़ कर रहे हैं वो भी वेस्ट नहीं होती। बैटरी 11 वोल्ट पे बैकअप देना बंद कर देती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैटरी का रिजर्व ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को इससे ज़्यादा बैकअप टाइम चाहिए तो वो डिप स्विच की सेटिंग 10.5 वोल्ट पे करेगा और फुल लोड पे फिर से 10 टू 15 मिनट्स का बैकअप टाइम ले सकता है। अगर कोई कस्टमर सिर्फ 10% का लोड चला रहा है उसे 1 से 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा बैकअप टाइम मिल सकता है।